अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयदा नाहिदा खादरी NRK 24 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ एंड खिदमत खल्क एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। आज हमारा खसूसी मकसद जो मेरा है, जैसे कि आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेरा मकसद ये है कि जैसे कि आप भी तमाम लोग जानते हैं, आप लोग ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पिछले कई महीनों से सैयद सलीम नामी एक शख्स है जो डेवलपर में रहते हैं, जो सोशल वर्कर हैं। ये शख्स मुझ पर कई दिन से, कई महीनों से मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, मुझ पर गंदी बातें कर रहा है मेरे बारे में, साथ ही साथ मेरी फैमिली के बारे में, मेरी बेटी के बारे में मुझ पर गंदे इल्ज़ाम लगा रहा है। आप देख सकते हैं ये कई तरीक़े से इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं। ये तमाम पोस्ट है जो मैं आपके सामने बता रही हूँ, और आप लोग भी जानते हैं कि एक बार दो बार नहीं, कई बार ये इंसान ऐसी हरकतें कर चुका है। और मैं ये सोच रही थी कि शायद हो सकता है इंसान है, जितनी चाहे उतने बकने दो, अपना काम है कि अपनी जगह हम खामोश रहें। लेकिन उसके बावजूद मेरी बर्दाश्त खत्म होने के बाद मैंने इसके ऊपर एक FIR करवा चुकी हूँ। मैं देख सकते हैं आप, इसके ऊपर मैं कंप्लेंट दे चुकी हूँ और ये FIR हो चुकी है। किधर करा है मैडम आप FIR? ये साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेंट दी है, और खसूसी ACP साहब जो है, KVM प्रसाद सर जो है, उनके हाथ पे मैंने कंप्लेंट दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो जल्द से जल्द इस इंसान पर एक्शन लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक खुशी की बात है कि मेरे FIR करने के बाद और भी हमारे कई ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिनको हिम्मत आई है मेरे FIR देखने के बाद, तो उन लोगों ने, अब हमें ये भी पता चला है कि और 3 FIRs हुए हैं सैयद सलीम के नाम पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ से जैसे सर, जैसा कि सैयदा नाहिदा खादरी के ऊपर, जैसा कि सोशल मीडिया पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सैयद सलीम, उसके ऊपर अभी FIR बुक होगी, उसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे सर आप लोग? इसके ऊपर ये 509 IPC के साथ में FIR इश्यू कर चुका है। इसके अंदर 3 साल पनिशमेंट है। ये लॉकडाउन चल रहा है, अभी लॉकडाउन के बाद उसमें अरेस्ट करने का चांसेस है। ये ऑनलाइन में कोई भी औरतों के खिलाफ कुछ डाले तो क्या है, उसके ऊपर ये कैसा टेक्स्ट डाले, कोई सेक्स का बारे में डाले तो और सीवियर पनिशमेंट सेक्शन मिल जाएगा। खाली डिफामेटरी मटेरियल डाले तो क्या है, 509 लग जाएगा। कोई भी हो, 67A में क्या है, 5 साल तक पनिशमेंट है। ये 509 में, 354D में, इसमें 3 साल तक पनिशमेंट है। इसलिए क्या है, कोई भी औरतों के ऊपर, औरतों के खिलाफ कोई मटेरियल सोशल मीडिया में फैला रहे, उनके ऊपर पक्का एक्शन लेना पड़ेगा। हम ये 509, 354D और 67 जो IT एक्ट का हिसाब में एक्शन लेते हैं।